नमस्कार दोस्तों, मैं जया त्रिपाठी कैमरा कुकिंग विजय में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है कॉर्न पालक। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों लॉकडाउन है और हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, तो चलिए फ्रेंड्स अपने ही किचन में वही रेस्टोरेंट वाली कॉर्न पालक की सब्जी बनाते हैं अपने अंदाज में। तो चलिए फ्रेंड्स किचन की तरफ बनाना शुरू करते हैं कॉर्न पालक की रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक गुच्छा यानी कि एक पंच पालक लिया है, जिसे लंबे पत्ते तोड़कर और इसे एक कप पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ढककर 2 मिनट बॉईल किया है और अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो रही है यानी उबल गया। तो अब हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पालक ले लिया है और पानी ड्रेन कर लिया है। पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसे सब्जी बनाते समय हम यूज करेंगे। पालक थोड़े ठंडे हो गए तो अब मिक्सी के जार में डालकर मैं इसे पीस कर रेडी कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए पालक को पीस कर रेडी कर लिया, एकदम ग्रीन कलर आया है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच घी गरम होने के लिए रखा है। आप चाहे तो बटर या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। घी मेरा गरम हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच में डालूंगी जीरा और जीरा को छिटकने देंगे। फ्रेंड्स, जीरा छिटक गया है तो अब इसमें डालूंगी एक हरी मिर्च जिसे काट लिया है, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और इसे थोड़ा सा भूनेंगे हल्का सा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 लाल टमाटर को मिक्सी में पीस कर प्योरे बना लिया। आप चाहे तो कटे हुए भी टमाटर ले सकते हैं। तो मैंने टमाटर डालकर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे हल्का सा भूनकर रेडी कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे जरूरी मसाले। यहाँ मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसमें तीखा कम और रंग अच्छा देता है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा मसाला को भून लेंगे। जब तक मसाला तेल ना छोड़े तब तक इसे भून लेते हैं थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भून गया है और मसाले से घी निकल रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैंने जो ये पालक का पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो काफी अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें डालेंगे मैंने 1 कटोरी यहाँ पे पहले से उबाले हुए बॉईल किए हुए कॉर्न के दाने लिए हैं, वो इसमें डालकर हम अच्छे से सारे मसाले और पालक और कॉर्न को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। और जो मैंने पालक उबालने के बाद पानी बचाया था, वो पानी मैंने पालक पीसने के बाद मिक्सी के जार को डालकर उसी पानी से धो लिया है। तो अब 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर एक उबाल आने देंगे फ्रेंड्स। तो ये सब्जी आप देख सकते हैं थोड़ा सा फटक रहा है, तो मैं इसे स्लो फ्लेम में करूंगी और इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार इच्छा अनुसार नमक। मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ और इसे डाल कर हम मिक्स करेंगे और इसे ढक कर मीडियम से फास्ट फ्लेम में हम इसे 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये सब कुछ अच्छे से सेट होकर अच्छे से कुक हो जाए। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि सब्जी में से घी निकल रहा है, यानी हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है, रेडी हो गई। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कॉर्न पालक की सब्जी तैयार है परोसने के लिए। तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म कॉर्न पालक को आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ, पूरी, पराठे या नान के साथ या गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।